रुख मध्य प्रदेश का करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया का आतंक सामने आया। वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने अटैक कर दिया, हमला बोल दिया गया। रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम, दल बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची थी एक महिला एसडीओ। लेकिन रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है आप देखिए। रेत माफिया के हमले में एक एसएएफ जवान घायल हो गया है, क्योंकि वन विभाग की टीम पर ही इन्होंने हमला कर दिया। रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर हमें प्राप्त हुआ, जिसको हमारे टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया और उसे देवघर थाने में खड़े करने के लिए लेकर ही जा रहे थे। तो पठानपुरा एक गांव है, उन्होंने पूरी प्लानिंग से, यानी हम लोग आ रहे हैं उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने पूरी प्लानिंग से रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक कर पूरे गांव के लोग एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए। मकरंद काले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, आंखें खोल देने वाली ये खबर है, क्या चल रहा है? ये सब कुछ साफ जाहिर हो जाता है इस खबर से। वन विभाग की टीम रेड करने के लिए पहुंच रही है ये पता चल जाता है, और बाकायदा हौसले इतने बुलंद हैं कि टीम पर हमला बोल दिया जाता है। देखिए, ये तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। मुरैना और चंबल का पूरा इलाका रेत माफियाओं के लिए बदनाम है, रेत के अवैध उत्खनन के लिए बदनाम है। ये पूरा मामला एक बार फिर से हमारे सामने आया जब तस्वीरों में हमने देखा कि सैकड़ों गांव वाले रेत की अवैध ट्रॉली छुड़ा करके ले गए। आप देखिए कि किस तरह से रेत माफिया वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर पुलिस और प्रशासन पर हावी हो जाता है। हालांकि यहां पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वन विभाग की टीम थी, जो एसडीओ हैं उनका नाम है श्रद्धा पंडेरे, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पुलिस को लगातार फोन करती रही, पुलिस को सूचना दी थी उन्होंने रेड करने की। इसके अलावा उन्होंने लगातार टीआई को फोन लगाए, लेकिन ना पुलिस की ओर से कोई रिस्पांस आया और ना ही कोई अधिकारी मौके पर उनको बचाने के लिए पहुंचा। उनकी टीम ही उनसे बचकर निकली है और अब वो कह रही है कि गांव वाले खुलकर कहते हैं कि हम पुलिस को एंट्री देते हैं। एंट्री का मतलब सीधे सीधे रिश्वत होता है। जब पुलिस को हम पैसा देते हैं या रिश्वत देते हैं तो वो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों करेंगे? तो गांव वालों के और माफियाओं के हौसले इसलिए वहां पर बुलंद है। देवगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इससे पहले भी चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो, सत्ता में रहते हुए तत्कालीन मंत्री गोविंद सिंह, कांग्रेस सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा था आईजी से लेकर नीचे कांस्टेबल तक सबका पैसा बंधा हुआ है रेत माफियाओं का। उस आरोप के बाद राजनीति गरमाई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। हालात वही है, रेत उत्खनन लगातार चल रहा है और उसको लेकर कार्रवाई करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति किसी भी राजनीतिक दल या सरकार की नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।